तो दोस्तों ये था ट्रेलर, और ट्रेलर का क्या बोलूँ बेइंतहा मैं तू बता। बेहतरीन वाहियात, मूवी, बेहतरीन मूवी वाहियात था ट्रेलर। आज तक के बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड, आई थिंक हॉलीवुड के भी रिकॉर्ड तोड़ ही देगी ये तोड़ मूवी। देगी ये, कुछ करेगी ये मूवी। कर दिया इस मूवी ने सब कुछ, अब क्या करना है, अब तो बन गई। अब तो तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या क्या मूवी बना रहे हैं आजकल, क्यों बना रहे हैं। और बॉलीवुड वाले तो माशाल्लाह हो गए हैं। पैसे ज़्यादा। दोस्तों आज मैं और मेरा भाई रिव्यू करने वाले हैं कुल्ली मूवी का, कुल्ली नंबर वन वरुण धवन की खलीफा मूवी है। इसका है, और ये भी हो सकता है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस भी खरीद ले। तुमको मालूम किससे बात करता है? किधर थे? सिंगापुर का राजा महेंद्र प्रताप का बेटा कुंवर राज प्रताप सिंह। आप कुंवर साहब हैं? सेक्रेटरी, एटीएम का फोन है। एटीएम सर? अंबानी, ट्रंप, मोदी, कॉन्फ्रेंस कॉल है। ये वो एलिफेंट वाला सीन है यार, ट्रेन बनाएंगे। एक मुंबई का बंगलो दिखा दीजिए बस। शाओ शिमा शो की शामा शी जूस की माकी, जूस की माकी, जूस की माकी। साहब जो मतलब हमारा जूस किम का बंगला आके देख रहा। चुराना मेरा जीवन, मामा जी मेरे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। माँ का घोंसला छोड़ के भांजी के घोंसले में रहना चाहते ना? इंस्पेक्टर, ये अपना चुड़वा भाई है, कंप्लेन गया डोंबे वाली के खाली पे। वो लड़का पहले एक और लड़की लेके आया था, वो मेरी बेटी है। और एक और लड़की लेके आया है, यू जॉली यंग मैन, वो भी मेरी बेटी है। हैव वन ऑन द डॉक्स मैन, जुड़वा आउट ऑफ द बॉक्स मैन। ओ बड़ी डिप्लॉयिंग लड़की पता, तो मतलब कुछ भी बनाओ और पैसे ज्यादा है हमारी जेब से जा रहे हैं। तकरीबन तो पब्लिक का पैसा ही है, और पब्लिक का पैसा है तो कुछ भी अनाप शनाप बना के भेज दो। और ऑडियंस भी तो माशाल्लाह है। अब यहाँ पे रेडी और हैप्पी न्यू ईयर जैसी मूवी 200-300 करोड़ कमाएंगी, तो वहां पे तो फिर ऐसी मूवी बनेगी, और इससे अच्छी मूवी क्या बनेगी। अच्छा रहा कि मतरू की बिजली का मंडोला नहीं चल गई, मैं तो डर था कि वो ना 100 करोड़ कमा जाए। अरे यार क्या क्या मूवी बना रहे हैं बॉलीवुड वाले, ना समझ नहीं आ रहा मुझे। पुरानी कुली नंबर वन, अल्टीमेट अल्टीमेट, ऑसम, कादर खान, सदाशिव अमरापुरकर, शक्ति कपूर, ऑन द टॉप गोविंदा, गोविंदा, करिश्मा। करिश्मा, करिश्मा तुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब अपने टाइम की पीक पे थी ना वो। हाँ तो माशाल्लाह इतनी जबरदस्त कास्ट थी और कितने जबरदस्त एक्टर थे। और अब इन्हें देखो, इन्हें देख के तो लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता। एक्टिंग का तो मतलब ये नहीं पता इन्हें, नहीं एक्टिंग के लिए दो बंदे तो है ना, फिल्म में दो बंदे ले लिए इन्होंने एक्टिंग के लिए, परेश कौन, रावल और परेश रावल और राजपाल यादव। राजपाल यादव, जावेद जाफरी भी ठीक है पर ओवर एक्टिंग ही नहीं होने वो उसकी लगी भी है। ओवर एक्टिंग लगती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ना राजपाल यादव शक्ति कपूर को रिप्लेस कर पाएगा, ना कादर खान को वो रिप्लेस कर पाएगा परेश रावल। क्योंकि अगर जिन्होंने जो भी मेरे साथ मतलब जिन्होंने भी 90s की मूवी देखी है कुली नंबर वन, अगर ये बोल देंगे कि ये मूवी अच्छी है देखने के बाद, तो मैं बोलूंगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब हमारा दिमाग सही नहीं चल रहा शायद। लेकिन मुझे वही याद लगी, मुझे तो अच्छी अच्छी लगी। लगी तुझे सारा अली खान अच्छी लगी, इसे लगती है सारा अली खान अच्छी, तो नहीं, यही चक्कर है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर एक्टिंग के मामले में बोलें तो मूवी में एक्टिंग पैथेटिक थी, लोकेशन अच्छी थी, मतलब ट्रेलर व्यूज व्यूज ट्रेलर्स अच्छे थे। ट्रेलर्स को देखना हो तो हाँ मतलब व्यूज अच्छे हैं, लोकेशन अच्छी है। वरुण धवन लड़की बना हुआ अच्छा लग रहा है। हाँ लड़कियाँ तो सही लगनी है, लेकिन हैंडसम है बंदा, हैंडसम है, पर यार तुम जो मर्जी कर लो बंदा हैंडसम है लेकिन एक्टिंग नहीं आती तो नहीं आती है। एक ही मूवी अच्छी है इसकी, बदलापुर। बदलापुर में इसकी एक्टिंग अच्छी लगी, बाकी मुझे किसी मूवी में इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी भाई, टू बी ऑनेस्ट।
ओवर एक्टिंग है ना, एक्टिंग नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती गोविंदा को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। अब कहाँ से तू गोविंदा थोड़ा बन जाएगा, तुझे अपनी एक्टिंग करनी चाहिए। जैसे ये आयुष्मान खुराना है, राजकुमार रॉय है, और कौन है सही एक्टर, आमिर खान है, आमिर खान एक्टर है, अक्षय अक्षय अजय देवगन अच्छे एक्टर हैं ये, मतलब डायरेक्टर्स एक्टर हैं यार ये, जैसा डायरेक्टर बोलता है तो अच्छे करते हैं एक्टिंग। बाकी ये मूवी तो वही आता है, तेरा क्या व्यू है? मेरा तो 5 में से कितने दे देगा तू इसको? सोचना पड़ रहा कितने दे इसका दिल ही नहीं कर रहा कोई देने का है? इसका दिल कर रहा है 1-2 नंबर दे देता हूं। चल मैं लोकेशन पे 1-1.5 नंबर लोकेशन सारा अली खान को दे रहा है तो 1.5 नंबर, आधा नंबर सारा अली खान को तो 1.5 नंबर नहीं यार, मुझे तो ये 1.5 वाली भी नहीं लगी। 1.5 दो, हाँ 1.5 दो दे दो इसे, हाँ 1.5 तो दे सकते हैं, मतलब इतना पैसा खर्च किया तो 1.5 तो बन पैसा तो है। डेविड धवन अच्छा डायरेक्टर था, पर अब पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। पर अगर साउथ की मूवीज देखनी हो और बॉलीवुड देखनी हो तो साउथ बड़ा आगे निकल गया है। साउथ की स्टोरी है ना, और स्टोरी यार कितनी जबरदस्त है, फॉरेंसिक रत्शासन जो मूवी थी इतनी सॉलिड। और बॉलीवुड में तुम बात जैसी मूवी बनती है और उसका क्या है, बहुत अच्छी मूवी है, इतनी सॉलिड मूवी है, धाकड़ मूवी, पर क्या पैसा कमाया उसने? रेवेन्यू तो कुछ नहीं कमाया ना, रेवेन्यू दृश्यम ने 100 करोड़ नहीं कमाया। दृश्यम जैसी मूवी नहीं कमाएगी तो फिर तो, फिर तो मतलब हमारा ऑडियंस खराब है। ठीक है यार, तुम लोग किस ऑडियंस में आते हो ये बताना है, क्या पता किसी को हम नहीं पसंद आते हो, सीधी सी बात है, हर किसी की अलग राय है, क्या पता किसी को हम पसंद ना आए, और किसी को हम पसंद ना आए, हमको कोई पसंद ना आए। नहीं हमने तो मतलब अपने हमने तो जेन्युइन व्यूज दिए हैं कि मूवी अच्छी तो नहीं लगी, ट्रेलर से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वाहियात कॉपी है ये। और बाकी अगर दूसरी मूवी देखनी हो, तुम बात देखनी हो, या साउथ की अभी जलीकट्टू अगर आप ऑस्कर के लिए गई, अगर आप देखना चाहें देखें, और बहुत ही सॉलिड मूवी है, एक जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर, जैसे हैंस जिमर ऑस्कर वाले बंदे का ऑस्कर पे गई है वो, हाँ तो उस टाइप की मूवी है, एक यूनिक अलग स्टोरी, गांव की स्टोरी है, तो हम दोनों पिंड से हैं तो हम रिलेट कर सकते हैं, पर आपका क्या व्यू है ये बताना और लिखना हमें। और यार सपोर्ट करो ये, आप चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अभी नया शुरू किया हमने तो वी नीड योर सपोर्ट। और जिस हिसाब से तुमने व्यूज दिए हैं, जिस हिसाब से तुमने अपने कमेंट दिए, इस हिसाब से गालियां तुझे बड़ी ज्यादा पड़ने वाली है। जब पड़ जाए यार, सच बात बोलने में अगर गाली पड़ती है तो पड़ जाए, ठीक है, पर सच यही है कि मुझे अच्छी नहीं लगी यार, फुद्दू लगा मुझे ट्रेलर, ऑनेस्ट है ये बिल्कुल। अब ऑनेस्ट बात ऑनेस्ट है, ठीक है, किसी को हम पसंद नहीं आएंगे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन ठीक है दोस्तों, अपने आप को सेफ रखें, ख्याल रखें सेहत का, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते रहें, क्योंकि अभी कोई टाइम वो आया तो है नहीं है इसका, वैक्सीनेशन तो आई है नहीं है इसकी, तो अपना ख्याल रखें, स्टे फिट स्टे इम्यून। और मैं और मेरा दोस्त सरदार और जट आपसे विदा लेते हैं, टेक केयर, बाय बाय।